नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, धनबाद के दंगल में सरयू राय की एंट्री के साथ ही माहौल बिगड़ गया है। प्रिंस खान, धनबाद का कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने सरयू राय को धमकी दे डाली है। ऑडियो जारी कर गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है सरयू राय को, कहीं ना कहीं चुनाव से पीछे हटने का धमकी दे रहा है प्रिंस खान। मेरे नाम पर राजनीति न करे सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल को भी धमकी दी गई है। और आपको बता दें कि इस मामले में सरयू राय ने एसएसपी को बाकायदा ऑडियो मुहैया करवा दिया है, जांच की बात कही गई है, जांच का आग्रह किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज 11 भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम आपको ऑडियो जरूर सुनाएंगे क्या कुछ कहा है सरयू राय को गैंगस्टर प्रिंस खान ने। प्रिंस खान धनबाद का कुख्यात गैंगस्टर है। प्रिंस खान के नाम पर धनबाद से करोड़ों रुपयों की अवैध वसूली होती है। पुलिस उसके घर की कुर्की कर चुकी है, लेकिन प्रिंस खान पुलिस की पकड़ से बाहर है। माना जा रहा है कि वो देश छोड़ चुका है। यह कमाल की बात है कि धनबाद का एक मामूली सा अपराधी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिमिनल हो गया है, देश छोड़कर बाहर निकल चुका है। पुलिस उसको तलाश नहीं पा रही कि कहां पर है प्रिंस खान। इंटरपोल से भी मदद लेने की बात है, लेकिन प्रिंस खान फिलहाल गिरफ्त में नहीं आ रहा, गिरफ्त से बाहर है। धनबाद के कई व्यवसायियों को धमका चुका है, कई व्यवसायियों से उसके नाम पर रंगदारी उठाई जा रही है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर है कि सरयू राय, कद्दावर नेता, झारखंड की राजनीति का चर्चित नाम, पुराने भाजपाई जो भाजपा में रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, सरयू राय को धमकी दी है प्रिंस खान ने। मेरे नाम पर राजनीति न करें सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल। सरयू राय ने एसएसपी को धमकी भरा ऑडियो भेज दिया है। पुलिस इस मामले की छानबीन करेगी, जांच करेगी। कल ही धनबाद के दंगल में सरयू राय की एंट्री होती है। सरयू राय पूर्वी जमशेदपुर से विधायक है, माफ कीजिएगा। वो धनबाद पहुंचते हैं, कृष्णा अग्रवाल के घर जाते हैं, कृष्णा अग्रवाल से मिलते हैं, और उसके बाद न्यूज 11 के साथ बातचीत में ये कहते हैं कि अगर धनबाद की जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि प्रिंस खान के नाम से सरयू राय को फोन किया जाता है, सरयू राय को बोला जाता है कि प्रिंस खान बोल रहा हूं, और सरयू राय को कहा जाता है कि मेरे नाम पर राजनीति ना करें। जब मामले की जानकारी मिलती है, सरयू राय पूरी बात को सुनते हैं दूसरी तरफ से कहने वाले को। वो खुद भी कभी प्रिंस खान की आवाज नहीं सुने हैं, तो वो भी नहीं जानते कि प्रिंस खान है या नहीं, लेकिन फोन करने वाला खुद को प्रिंस खान बता रहा है। सरयू राय ने उससे संबंधित ऑडियो एसएसपी को मुहैया करा दिया। एसएसपी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑडियो की पुष्टि न्यूज 11 भारत नहीं करता, लेकिन हम आपको वो ऑडियो जरूर सुनाते हैं। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरयू राय, कृष्णा अग्रवाल, ये लोग जो चूल्हा पे राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, तो मेरा नाम लेकर, तो मेरा चूल्हा पे सिर्फ रक्त नीति का रोटी सेका जाता है, राजनीति का नहीं। तुम लोग को राजनीति करना है तो अपना पार्टी का मुद्दा उठाकर करो, मुझे बीच में मत लाना, नहीं तो तुम लोग का सर में जो बाल बचा है ना रे टकला, दोनों सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल, दोनों का सर से बाल पूरा उखाड़ देंगे, याद रखना। साले डुल्लू महतो को टिकट मिल गया तो उसको टिकट मिल गया, साले गम ही बात का है कि महतो को टिकट मिल गया, सिर्फ डुल्लू महतो है रे। इससे पहले जो चार गुना संहार करके विधायक जेल में है, तो का पूजा करके जेल गया रे, चोट मेरे प्रति राजनीति मत करना, समझा। तुम लोग का औकात है रे प्रिंस खान को रोक देगा, प्रिंस खान को सिर्फ खुद प्रिंस खान रोक सकता है, तुम लोग का औकात नहीं है रोकने का, समझा। दोबारा सुने ना तो सीधा सर में एक भी बाल नहीं छोड़ेंगे, याद रखना, देखेंगे कौन तुम लोग को बचा लेगा। तो ऑडियो जारी किया है प्रिंस खान ने, बाकायदा ऑडियो जारी कर आपने सुना कि क्या कुछ कहा प्रिंस खान ने।
हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, प्रिंस खान ने ऑडियो जारी कर सीधे सीधे धमकी दे दी है सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल को। यहां राजनीति नहीं, प्रिंस खान के नाम पर रक्त नीति चलती है। वास्तव में धनबाद रक्त नीति पर चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह आज राजनीति में प्रिंस खान का जो एंट्री हुआ है, ये अपने आप में नया संकेत देता है कि क्या मतलब राजनीति में भी अब सही में रणनीति होना है, क्योंकि कल ही ढुलडू महतो के खिलाफ सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कृष्णा अग्रवाल की एक ओर से ये कंप्लेन हुआ था जो पार्टी को, और उसके बाद सरयू राय की एंट्री हुई। सरयू राय के एंट्री में ये था जो NIA जिस तरह BCCL कुछ एरियाओं में जो जिस तरह की वसूली होती है, वो प्रिंस खान से उसकी तुलना की गई थी सरयू राय के द्वारा। प्रिंस खान ने उसको, जैसा कि ये ऑडियो है, अब ऑडियो में कितनी सच्चाई है, क्या ये प्रिंस खान का है कि बाहरी कोई और इसके आड़ में बदमाशी कर रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि उसके नाम से जो जोड़े हो वो ठीक नहीं है, तुम राजनीति करो नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। तो आप समझ सकते हैं जब अब ये सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल के लिए ये कितना गंभीर बात हो सकती है, और साथ ही पुलिस के लिए भी एक नई चुनौती हो सकती है। हालांकि सरयू राय ने उसकी कंप्लेन कर दी है SSP के पास, और अब उसके पुलिस जांच कर रही है। अरुण, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये ऑडियो आया कैसे ये ऑडियो सरयू राय तक पहुंचा? क्या फोन पर सरयू राय को बोला गया है, CD भेजी गई है, किस तरीके से ऑडियो ये वायरल हुआ है? देखिए, ये व्हाट्सएप के माध्यम से हमको मिला है, क्योंकि जो अब जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है पूरा, वो अब व्हाट्सएप के माध्यम से, ये तो ऐसी अंदेशा ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही उसको किसी अननोन नंबर से, अब ये तो सरयू राय जी के पास किस नंबर से गया है ये तो सरयू राय जी बताएंगे, लेकिन किस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से इसको वायरल किया गया है। और ऐसा अमूमन देखा जाता था पिछले कुछ समय से, हालांकि अभी इन्हों बंद था उसका आतंक जो कह सकते हैं सो कॉल्ड प्रिंस खान का, कि कहीं किसी व्यापारी को धमकी वगैरह का मामला नहीं आ रहा था सामने, लेकिन अब सीधे राजनेताओं को धमकी देना ये तो कुछ और ही संकेत कर रहा है। और अब देखने वाली बात होगी, जो पुलिस के पास जब इससे कंप्लेन हो गई है तो पुलिस इसकी जांच के बाद क्या रिपोर्ट निकालती है। जी बिल्कुल, जांच होगी, पुलिस इसकी जांच करेगी, और कहीं ना कहीं अगर ऑडियो वायरल हुआ है तो अभी तक पुलिस भी यह समझ चुकी होगी कि आवाज प्रिंस खान की है या नहीं, क्योंकि प्रिंस खान ऑडियो जारी करने का काफी पुराना खिलाड़ी है, कई बार ऑडियो जारी कर चुका है और सारे ऑडियो पुलिस के पास है, पुलिस मिलान चाहे तो तुरंत कर सकती है कि आवाज प्रिंस खान की है भी या नहीं। लेकिन प्रिंस खान पकड़ में कब आएगा? आवाज तो पकड़ में आ जाएगी, प्रिंस खान पकड़ में कब आएगा यह झारखंड पुलिस के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ बनने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरयू राय, कृष्णा अग्रवाल, ये लोग जो चूल्हा पे राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, तो मेरा नाम लेकर, तो मेरा चूल्हा पे सिर्फ रक्त नीति का रोटी सेका जाता है, राजनीति का नहीं। तुम लोग को राजनीति करना है तो अपना पार्टी का मुद्दा उठा कर करो, मुझे बीच में मत लाना, नहीं तो तुम लोग का सर में जो बाल बचा है ना रे टकला, दोनों सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल, दोनों का सर से बाल पूरा उखाड़ देंगे, याद रखना। साले डुल्लू महतो को टिकट मिल गया तो उसको टिकट मिल गया, साले गम ये बात का है कि महतो को टिकट मिल गया, सिर्फ डुल्लू महतो है रे, इससे पहले जो 4 गुना संहार करके विधायक जेल में है तो क्या पूजा करके जेल गया रे चोट। मेरे प्रति राजनीति मत करना, समझा? तुम लोग का औकात है रे, प्रिंस खान को रोक देगा? प्रिंस खान को सिर्फ खुद प्रिंस खान रोक सकता है, तुम लोग का औकात नहीं है रोकने का, समझा? दोबारा सुने ना तो सीधा सर में एक भी बाल नहीं छोड़ेंगे, याद रखना, देखेंगे कौन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत।
सच है तो दिखेगा।